गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ बंतशा योर इंग्लिश टीचर एंड दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड. ओके, वी हैव कम्प्लीटेड अवर टू चैप्टर्स इन इंग्लिश रीडर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज टेडी बियर्स. टेडी बियर्स तो आपको पता ही होंगे, है ना, वाइल्ड एनिमल्स है टेडी बियर, ये देखिए टेडी बियर है ना. ठीक है, इस चैप्टर में हम टेडी बियर्स के पढ़ेंगे. देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने समय की बात है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड टेडी रोजवेल्ट. एक मैन था जिसका नाम क्या था, टेडी रोजवेल्ट. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. ओके, ही लाइक्ड हंटिंग वेरी मच, उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद था. हंटिंग मीन्स क्या होता है बेटा, शिकार करना. ओके, उन्हें शिकार करना बहुत पसंद था. वन डे, एक दिन, he and his friends went to a forest. वो और उनके दोस्त जंगल गए. They searched for 3 days for animals to hunt. उन्होंने जंगल में 3 दिनों तक सर्च, मतलब ढूंढा, ठीक है, हंट करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए 3 दिनों तक जंगल में घूमते रहे, ढूंढते रहे कि मुझे कोई शिकार मिल जाए तो मैं उसका शिकार करूँ. The forest was very thick. जो जंगल था वो कैसा था, बहुत thick means घना था, बहुत घना जंगल था. दे सर्च्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड एनी एनिमल एट ऑल, लेकिन उन्हें कोई भी एनिमल नहीं मिला. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वन ऑफ द मैन हैड एन आइडिया, उनमें से एक आदमी को एक आइडिया आया. ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट, वो घने जंगल में गया, बिल्कुल बीच में, यानी बहुत घना जंगल था, बिल्कुल उसके बीच में चला गया, बहुत अंदर तक. विद हिज डॉग्स, अपने डॉग्स के साथ. द डॉग्स कॉट द स्मेल ऑफ अ बियर. अब क्योंकि डॉग्स बहुत वाइज होते हैं ना, बहुत फेथफुल भी होते हैं, तो जब भी वैसे क्राइम ब्रांच में आपने सुना होगा, आपने CID वगैरह देखा होगा, उसमें दिखाते हैं ना डॉग्स को साथ में लेके चलते हैं कि वो स्मेल कर लेते हैं जिसको आपको ढूंढना होता है, उनकी कोई चीज़ आप उन्हें स्मेल कराते हैं, वो स्मेल कर देते हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं. तो ये देखिए डॉग्स है ना, ये डॉग्स को लेकर के आया कि जहाँ पर भी इसको एनिमल की स्मेल आएगी वो तुरंत उसके पीछे दौड़ने लगेगा और हम लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगेंगे और ऐसे हमें एनिमल मिल जाएगा हंट करने के लिए. ओके, द डॉग्स कॉट द स्मेल ऑफ अ बियर. डॉग्स ने क्या सूंघा, एक बियर की स्मेल सूंघी. एक भालू था, उन्होंने सूंघा कि यहाँ पर एक भालू है. दे रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मेल एंड चेज डाउन एन ओल्ड बियर. वो जहाँ से स्मेल आ रही थी उस डायरेक्शन में दौड़े और उन्होंने वहाँ पर क्या चेज, मतलब पीछा करना, उसका पीछा किया और वहाँ पर उन्हें क्या मिला, एक बूढ़ा सा भालू मिला. द ओल्ड बियर वॉज ईजी टू कैप्चर, क्योंकि भालू कैसा था, बूढ़ा था, और बूढ़े लोग कैसे होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं ना, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, दौड़ भी नहीं पाते हैं, इसलिए उस बूढ़े बियर को पकड़ना बहुत आसान था. इट कुड नॉट रन, वो दौड़ नहीं पा रहा था. इट कुड हार्डली वॉक, वो बड़ी मुश्किल से चल ही पा रहा था. अब बताइए, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो चल बहुत मुश्किल से पाते हैं, वो दौड़ेंगे कैसे. इसलिए उन्होंने उस बियर को आसानी से पकड़ लिया. द मैन टाइड द बियर टू अ ट्री, जो वो आदमी था उसने बियर को क्या किया, पेड़ से बांध दिया. टाइड मीन्स बांधना. ओके, देन दे कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड गेव हिम अ गन. तब उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया और उन्हें गन दी, बंदूक दिया. और मिस्टर प्रेजेंट सेट द मैन, और आज उस आदमी ने कहा जिसने भालू को पकड़ा था और बांध दिया था, मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, हेयर इज अ बियर फॉर यू टू शूट, यहाँ है आपके लिए एक बियर शूट करने के लिए, यानी आपको आपका शिकार मिल गया है, अब आप इसका शिकार कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल डिस्कस फर्दर टुमारो. थैंक यू क्लास.